Assalamu alaikum, konnichiwa, hello, this is Arif or, from Japan और आज हमारा देख रहे हैं गाइड टू वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आज एक नई इंतहाई अहम वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। जापान में जो पाकिस्तान से हमें सवालात आते हैं इसका मैं पहले भी आंसर कर चुका हूँ लेकिन मैं मज़ीद क्लियर कर दूँ। बहुत सारे हमारे चैनल पर कमेंट्स में जो सवालात आते हैं या मैसेंजर्स में आते हैं वो ये होता है कि क्या मैं जापान में आकर मुझे अंग्रेज़ी आती है फ़र्ज़ करें, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं मुझे सिर्फ उर्दू आती है, तो क्या मैं जापान में आके काम कर सकता हूँ, मैं कितना कमा सकता हूँ, या मुझे थोड़ी सी जापानी आती है, बुनियादी जो जापानीज़ सेंटेंसेस हैं वो मुझे आते हैं, तो क्या मैं जापान अगर मुझे कोई वीज़ा दे रहा है तो मैं आके काम कर सकता हूँ। तो उसका आज मैं आपको जो है वो आंसर करना चाहता हूँ कि देखिए जापान के अंदर अब मैं बहुत सारे सैकड़ों ऐसे फॉरेनर से अब मिल चुका हूँ जो यहाँ जॉब्स कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं। दो तीन चीज़ें ध्यान में रख लें कि अगर आप जापान आते हैं किसी वीज़ा पर, आपको जिस तरह कोई वर्क वीज़ा अलाउ कर देता है, कोई करवा देता है और आप जापान में आ जाते हैं कोई स्किल लेकर, प्रोफेशनल चंद जॉब्स के अलावा जो कि आजकल आपको पता है आईटी का दौर है या कोई सिविल इंजीनियरिंग या इस तरह की आपके पास डिग्रीज़ हैं, अदरवाइज़ जापान की जितनी नॉर्मल जॉब्स हैं उसमें लैंग्वेज के बग़ैर यहाँ सर्वाइवल नहीं है। ये आप जहन में रख लें, अगर आपको ज़बान नहीं आती तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। चंद नौकरियाँ मैं एक और व्लॉग में बताऊँगा कि जो जिनमें ज़बान का बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं होता लेकिन बहुत ऑड जॉब्स हैं। तो कोई रिलेटिवली अच्छी कोई फैक्ट्री की नौकरी भी अगर आपने करनी है तो उसके लिए भी आपको बुनियादी जबान जो जापानी है उसका कम अज़ कम, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ये जो आप कहते हैं ना कि कुछ सेंटेंसेस जी वताशी वा वताशी नो नमाए वा आरिफ देस या फलां देस, मुझे इतना आता है अरिगातो ओहायो गुज़ाइमास, या इस तरह के बुनियादी सेंटेंसेस कोम्बोवा, इससे काम नहीं चलता यहाँ पे। आपको बुनियादी जबान का जब मतलब होता है तो उसका मतलब होता है कि आप किसी से अपना तारुफ़ करवा सकें, कोई बुनियादी सवालात आप पूछ सकें, हेलो हाय, इस लेवल की अगर आपको जापनीज आती है तो जापान में आपका सर्वाइवल है, अदरवाइज़ जापान में आपका सर्वाइवल नहीं है। ये आप जहन में रख लें। कोई आपको वहाँ से सुहाने बाग दिखाता है, पाकिस्तान में 40-40 लाख लोग पैसे देने को तैयार हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं कि जी हमें जो है ना वीज़ा दिलवा दें, हम आपको इतने लाख देते हैं, तो यहाँ पर आके फिर आपने रूल नहीं है और जॉब्स कोई नहीं मिलनी आपको, ठीक है। तो बड़ा क्लियर कर लें कि जापनीज़ लैंग्वेज का आपको यहाँ पर आना N5 लेवल जिसको हम कम से कम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपके लिए मसाइल ज़्यादा हैं। अब वो कहाँ से सीखी जा सकती है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, यूट्यूब है, हमने खुद एक सीरीज़ स्टार्ट की है अभी, इंशाल्लाह हम पैरल कोशिश करेंगे कि हम 3-4 महीनों में मुकम्मल उतनी ज़बान आपको सिखाएँ जितनी कि यहाँ कम से कम ज़रूरी है। इसके अलावा गूगल करें, आप कुछ किताबें पढ़ें, देयर आर सो मेनी सोर्सेज अगर आपने सीखनी है। तो ये एक सवाल था तो मैंने कहा मैं आपको जो है वो आंसर कर दूँ। जज़ाकअल्लाह।